the rain, wind. Cindy the hurricane. Oh my God, look at the aftermath of Hurricane Isaias. This huge maple tree has fallen apart with its root. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज बुधवार है और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विंड चल रही है सुबह से। यहाँ पे एक्चुअली एक हरिकेन आया है कॉल्ड हरिकेन इसाइयास। तो आज बहुत सारे विंड और रेन प्रेडिक्ट की है एंड दे हैव ऑल्सो गिवन अ हरिकेन एंड टोर्नाडो वार्निंग हियर। तो बस हम प्रे कर रहे हैं कि आज कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अभी सुबह के अराउंड 9 बजे है और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्लाउड्स आए हैं। ओ माय गॉड, इट्स द वेदर लुक्स रियली बैड टुडे एंड इट्स रेनिंग हैविली। इनफैक्ट गार्बेज ट्रक इज़ आल्सो वेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। दे आर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप सो दैट दे कैन कलेक्ट द गार्बेज। सी, गार्बेज ट्रक इज मूविंग नाउ। It's coming here. We should really appreciate our helpers for helping us no matter what the weather is. They come and do their job in rain, scorching heat and extreme weathers like winter storm, snow or hurricane. Really a salute to them. Rishabh, can you sing Rain, Rain, Go Away? Rain, rain, go away. Come again another way. Morning, once a while. Rain, rain, go away. Somehow Rishabh is fascinated by garbage trucks. He just loves to look at them since he was few months old. And most of the times he plays a pretend play garbage truck at home. तो आज की बारिश देख के तो मुझे इंडियन मॉनसून की याद आ गई। ओ माय गॉड, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मैं जब इंडिया में थी तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम ऑन द गो। तो आज जैसे कि आपने शुरू में वीडियो के शुरू में देखा कि बहुत ही विंडी है और हरिकेन का सिचुएशन है यहाँ पे। यूएस में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत ही रेन होता है, विंडी होता है और दे गिव अ हरिकेन वार्निंग। तो आज न्यूजर्सी के गवर्नर ने सबको वार्निंग दिया है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले अनलेस इट्स इमरजेंसी। और सारे स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और सब कुछ बंद है। तो हम लोग या ऋषभ सिंह, हाय। तो हमारा अभी तो वही चल रहा है, आज हम लोग रिलैक्स मूड में ही है। ऐसे बाहर इतना अच्छा वेदर है तो घर पे भी हम लोग ऐसे रिलैक्स ही कर रहे हैं आज। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी सुबह किड्स ने कैसे बाहर एंजॉय किया उसकी। तो हमने कुछ पेपर की बोट्स बनाई थी एंड किड्स वर रियली एक्साइटेड टू प्ले विद देम इन द वाटर पॉन्ड। बट विंड इतनी ज़्यादा थी कि बोट्स ठीक से चली नहीं रही थी, वो उड़ जा रही थी। और किड्स का मन था कि आज मैगी खाना है, तो आज कुकिंग भी नहीं है तो सिर्फ मैगी बनाना है। बट मैंने सोचा कि ऋषभ के लिए एग डोसा बना लूंगी क्योंकि बच्चे लोगों को तो थोड़ा सा प्रोटीन देना होता है ना। तो चलिए फिर देखते हैं कि एग डोसा तो मैंने ऑलरेडी गैस पे चढ़ा दिया है तो वो कुक हो रहा है वहां पे। तो चलिए देखते हैं कि वो हुआ है।
तो एक डोसा तो बन गया था तो मैंने किड्स को सर्व कर दिया। मुझे लगता है कि किड्स को तो खाना टाइम पे खा लेना चाहिए, हमारा तो बाद में होता रहता है। और इसकी रेसिपी मैंने आज के वीडियो में शेयर नहीं की है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत बार मैंने एक डोसा की रेसिपी शेयर की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी। तो बच्चों को एक डोसा मैंने दे दिया है, अभी मैं अपने लिए हमारे लिए मैगी बनाऊंगी। प्रिशा को भी मैगी खानी है बट मैंने उसको बोला कि पहले एक डोसा खाए, कुछ थोड़ा सा हेल्दी प्रोटीन चीज पहले अगर पेट में जाएगी तो मैगी खाने का मतलब है ना। तो जनरली मैं मैगी इतना बनाती नहीं हूँ घर पे, बट आज क्योंकि वेदर इतना अच्छा है तो आई थॉट कि मुझे भी थोड़ा सा मैगी खाने का मन हुआ, तो फिर मैं आज बनाऊंगी। तो चलिए मैगी बनाते हैं। तो इस बार इतना बड़ा मैगी का पैकेट आया है, बाप रे कितना बड़ा है, 24 केक्स है इसमें। तो आज यही पैकेट से आज बनेगा मैगी। माई गॉड, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे मैगीज भरे हैं और ऐसे ही डाले हैं इन लोगों ने। तो चलिए अभी मसाला निकालते हैं। अरे ये क्या है? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये 5 तरह के केक पैकेट से। मुझे जनरली मैगी में बहुत सारा वेजिटेबल डाल के बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये फ्रोजन मिक्स्ड वेजिटेबल्स इसमें जरूर ऐड करती हूँ। मैगी से अपनी कितनी सारी यादें जुड़ी होती है ना, स्पेशली कॉलेज डेज में तो मैगी एक स्टेपल फूड हुआ करता था। लेट नाइट जब स्टडी करते थे तो दोस्तों के साथ मैगी खाने का मजा तो कुछ और ही था। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे टोर्नेडो वार्निंग दी है, तो आज काफी पावर फ्लक्चुएशन भी हो रहा था मेरे नेबरिंग कम्युनिटीज में, काफी लोगों के घर में पावर कट हो गया था। तो यही सब होता है अगर टोर्नेडो आता है, तभी यहाँ पे पावर आउटेज या इंटरनेट आउटेज होता है। काफी लोगों के यहाँ पे इंटरनेट भी ठीक से नहीं आ रहा था, तो ये सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स है। अदरवाइज यूएस में तो कभी पावर कट नहीं होता है, इसलिए अगर कभी होता है तो काफी अनयूजुअल लगता है। तो बस आज यही चल रहा है। और आप लोग कैसे हो, वहाँ पे कैसा वेदर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को यहाँ पे कैसा वेदर है। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में काफी प्लेसेस में रेन हो रहा है, तो आपके प्लेसेस में, तो मैं ईस्ट कोस्ट में रहती हूँ ना, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी साइड में तो इतने हरिकेन्स नहीं आते हैं, इट्स वेरी रेयर एक्चुअली हियर। बट यूएस के जो साउदर्न स्टेट्स है, साउदर्न पार्ट के स्टेट्स लाइक फ्लोरिडा, एटलांटा, अर्कनसा, यू नो ऑल दो स्टेट्स, वहां पे तो हरिकेन्स आते जाते रहते हैं, तो इट्स क्वाइट कॉमन। तो जब तक मैगी बन रही थी मैंने आपके साथ 2 मिनट बातें भी कर ली, और अभी देख सकते हैं कि मैगी भी बिल्कुल तैयार है। लेट्स डिग इन, आई एम स्टार्विंग। और आज तक मैगी की पॉपुलैरिटी तो कायम है और बढ़ती जा रही है, इवन अभी भी बच्चों को मैगी खाना बहुत पसंद है, पता नहीं क्या मैजिक है इसमें। आपकी मैगी से रिलेटेड कौन सी मेमोरीज है आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। सो गाइस देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, वेट आई विल शो यू। सो गाइज आपने देखा कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मैगी खाना किसको पसंद नहीं है। तो आज मैं अपनी मैगी बहुत इंजॉय करूँगी, आप भी आइए मेरे साथ मैगी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऐसे ही बाहर वॉक के लिए निकले थे, तो वेदर बहुत ही अच्छा था तो निकल गए, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्री कैसे गिरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हरिकेन इसाइयास ने कितना सारा नुकसान किया है। ये एक मेपल ट्री है जो पूरा गिर गया है, रूट से ही पूरा बाहर आ गया है। ओ माय गॉड, एंड आई कैन सी देयर इज सम वाटर अंडर द रूट्स, वाओ।
थैंकफुली हमारे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट का भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट मैनी प्लेसेस इन माई नेबरहुड दे डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, एंड मैनी अदर प्लेसेस इन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी कनेटिकट वेर अफेक्टेड बैडली बिकॉज ऑफ दिस हरिकेन. 2012 में भी एक हरिकेन आया था, सैंडी स्टॉर्म, अगर आपने सुना होगा तो. दैट टाइम वी वर इन कनेटिकट एंड ओ माय गॉड इट वाज अ रियली बैड वन. आज काय आला होता, काय आला होता सांग. व्हाट? टोमॅटो. टोमॅटोज नाही माओ, टोर्नाडो. आई थिंक ईयर 2020 इज अ स्टॉर्म इन इटसेल्फ. क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है इस साल में, और यू नो आई जस्ट प्रे दैट देर शुड बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो वॉट कैन आई से, कीप वॉकिंग थ्रू द स्टॉर्म एंड योर रेनबो इज वेटिंग ऑन द अदर साइड. दैट्स वॉट वी कैन होप फॉर. So with this positive quote, I end today's vlog, friends. I hope you liked it. If you did, give it a big thumbs up. And agar aap is channel pe naye ho, to please subscribe to my channel and hit the bell icon. So take very good care of yourself, friends. And bye bye until I see you in my next one.